ओके स्टॉप ओके वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स गाइस. तो आज हम आए हैं चेन्नई, आए हैं दिल्ली से. ये हम सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पे शूट करने, और दोनों बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ जो आज हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई हम 3 घंटे पहले पहुंचे हैं, तब भी हमारी फ्लाइट मिस होने वाली थी. इतनी भीड़ हो चुकी है दिल्ली एयरपोर्ट पे कि भाई तुम पहले पहुंच जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस होने वाली है. और दूसरा, चेन्नई हम जब भी आते हैं हमारा लगेज हमेशा मिसिंग होता है. एक तो फोटोग्राफर्स को बहुत सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है. इतनी सारी बैटरी, सिक्योरिटी वाले जब आपके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कुछ उड़ाने वाले हैं प्लेन व्लेन, तो क्या बम लेके घूम रहे हैं क्या. इतनी बैटरीज जब बैग में दिखती हैं तो पागल हो जाते हैं. तो भाई इट्स नॉट ईजी एज अ फोटोग्राफर की फ्लाई करना, पर हम लोग करते हैं, शूट्स है, काम है, करना पड़ता है. और अब इतने थक चुके हैं, अभी हमारा शूट शुरू होना है 2 घंटे बाद. अभी होटल में आके बैठे हैं और एक भाई हमारे सो गए हैं. वो कह रहे हैं मैं आऊँगा ही नहीं, मैं जा ही नहीं रहा शूट करने, खत्म हो गया भाई. और मेजरली अभी क्या और एक और दिक्कत हो गई है सबसे बड़ी, कि कल आया है चेन्नई में साइक्लोन और हमें कोई अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ हुआ, आके यहाँ पे पता चला है. और यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे आज, अब पता नहीं कल भी बंद होंगे या नहीं. इवन कल ट्रांसपोर्ट भी शायद कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, बट अभी ऐसा थोड़ा माहौल ठीक है, हवा चल रही है, थोड़ी हल्की बारिश है, बट कल से बहुत बेटर है. कल यहाँ पे रेड अलर्ट था बट अभी बहुत ठीक हो गया है. तो भाई जब भी कोई अगर शूट करने जाए ना, तो स्पेशली आप अपनी सिटी से कहीं दूर जा रहे हो डिफरेंट टाइम जोन में या डिफरेंट वेदर कंडीशन में, तो प्लीज एक बार वेदर जरूर चेक कर लो, वरना बहुत बड़ा कट्टा हो सकता है, आप फंस सकते हो. मिलते हैं थोड़ी देर में जिम में, जाएंगे शूट करेंगे. एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट कॉस्टलीस्ट शूट एवर. ओ फाइनली आ गए हैं भाई स्लैम नुंगम बकम स्लैम नुंगम बकम. चेन्नई की बेस्ट चेन्स में से एक है ये स्लैम जिम, और ये हाँ हम ब्रांच हैं नुंगम बकम, इसमें आए हैं. और बहुत बेहतरीन जिम है यार, एक दिखा देता हूँ. वो यहाँ पे अभी हमारा शूट होने वाला है, अभी हमारे क्लाइंट जो है वार्म अप कर रहे हैं, और पीछे एक सॉन्ग चल रहा है. लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, पर म्यूजिक अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा ये किसका रीमेक है. गाना सुनो. रहना है तेरे दिल में. सो भाई शूट बाद में होगा, पहले हम खा रहे हैं खाना. पहले पेट पूजा होगी, उसके बाद शूट शुरू करेंगे, क्योंकि शूट का पता नहीं कब रात वो खत्म हो. तो ऐसे वैसे हम करते नहीं, हम पहले शूट ही करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं. बट अभी हम बहुत देर से थके हारे आए हैं, अभी हालत नहीं है. पहले खाना खाएंगे तब क्रिएटिविटी आएगी. और ये देखो पिछले साल का शूट, ये लास्ट ईयर शूट हुआ था. इन्होंने पूरे जिम में अब यही फ़ोटो लगा दी है. और मॉडल की मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, वो ये है हमारे मॉडल. ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी काफी सारी टेस्टिंग लैब्स हैं. हे गाइस, गाइस ये क्या खा रहे हो? नॉन वेज बिरयानी. गाइस मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सिर्फ नॉन वेज खाता है. द रेड फॉक्स, द रेड बॉक्स चेन्नई का ब्रांड है भाई, देख लो. तो भाई यहाँ पे गाने चल रहे थे अभी, जो अपने तो ऊपर से जा रहे थे, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा था, बट एक भी लिरिक समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने डिसाइड किया मैं चलाऊंगा एमसी स्क्वायर के गाने, क्योंकि भाई शूट नहीं होगा बिना गाने के ना, क्योंकि मोटिवेशन अपने को वहीं से मिलती है. तो अभी मैं चला रहा हूँ एमसी स्क्वायर भाई के गाने, क्योंकि भाई हो गया फेमस फरीदाबाद से. तो भाई अब चलेंगे चेन्नई में एमसी स्क्वायर के गाने. भाई साहब ये गाना सुना आपने? सुना है? ये गाना नहीं सुना तो आप दुनिया में जीना छोड़ो. आप दिल्ली के नहीं हो, जीने का अधिकार नहीं तुम्हें आज के टाइम में.
ये तो वायरल सॉन्ग है, अभी हुआ नहीं होगा यार इतना वायरल। अरे बहुत ज्यादा हो गया यार, हमने हमने चेन्नई में चला दिया। और क्या लोगे, असल जीत गया अगला लड़का। असल यार अब सोए भाई, बीप बीप कट कट कट। एमटीवी के कोई ढंग के शो रहे हैं क्या? नहीं मतलब ये शो अच्छा नहीं था, पर आई थिंक एमसी स्क्वायर मतलब इसमें जो लड़की वायरल हुई थी उसका उसका रैप मैंने जरूर सुना था। नहीं वो तो काउंट ही नहीं हो रही, वो अपना वो मतलब स्टार्टिंग में जो रहा था बस पैराडॉक्स। अच्छा, ये दोनों मेन है, इनकी वजह से शो चल रहा है। एक अपना फरीदाबाद का, एक अपना नजफगढ़ का, तो दोनों फरीदाबाद दिल्ली का तो नहीं है। चल नजफगढ़ वाला मैं दिल्ली का, तो मैं अपना कह रहा हूँ फरीदाबाद लगता तो अपने दिल्ली के बगल में ही है। बगल में है ना, दिल्ली नहीं है, अपनी रिश्तेदारी है, अलग है दिल्ली, रिश्तेदारी है अपनी वहाँ फरीदाबाद में। तुम दिल्ली में नहीं घुसा सकते कोई भी, हम तो अपने आप को यहाँ पे गाना चला दिया, यहाँ होगी लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई होगी, मैं गाना बदलने जा रहा हूँ। दिल्ली अलग है, मैंने अल्टीमेटली इंग्लिश गाने चला दिए क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है, दोनों को समझ में आ रही है, तो मैंने चलो भाई इसको ही चला देते हैं, वरना यहाँ कहीं पता चल रहा है लड़ाई हो जाए हमारे असिस्टेंट्स के बीच में और यहाँ शूट खराब ना हो जाए। बस शूट पे बेसबॉल का बैट, वरुण कह रहा है कि अगर किसी ने गाना बंद में लड़ाई हो जाएगी, जो ये फालतू बोल गया ना सर फाड़ दूंगा। दिखाने वाली चीज़ है ये, अरे नकली चीज़ दिखा रहा है भाई। ये क्या हो रहा है शूट, क्या क्या आ रहा है ये ऐसे यहाँ पे गर्दन पे रखी जाएगी। भाई मेरी अभी अभी शादी हुई है एक साल पहले। ये सीधा बीप कट कट, वो नकली चीज है, वो उसका कुछ नहीं होगा। जब तेरी गर्दन पे लगेगी ना, जब तेरी गर्दन पे भाई कुछ आजकल ना फोटोग्राफर्स हमारे कॉपी कर रहे हैं, ये हम पता नहीं कब से करके छोड़ चुके हैं तलवार वलवार, आजकल कुछ नए लड़के आ रहे हैं हमारी फोटो कॉपी कर रहे हैं करके छोड़ दिया सिस्टम है। क्या कर रहे हो ये शूट 2 बजे तक चलेगा, आप क्या कर रहे हो फोन में? फाइनली शूट सारा ओवर हो गया और बैग हमारे ऐसे पड़े हैं, ये भाई साहब अभी भी घूम ही रहे हैं। डेड ब्रो डेड, अभी फाइनली जाएंगे वापस होटल। चार बजे हैं सुबह के, सुबह प्लान था हमारा बीच पे जाने का, अभी सामान फैला हुआ है, होटल जाना है, सोना है, सुबह फ्लाइट है, प्लान था बीच पे जाने का, पता नहीं बीच में रह जाएंगे। अभी कोई मन नहीं है, अब बस सोना है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है गाइस, रात को 4 बजे सोए हैं, आंखें खुल नहीं रही है अभी भी ठीक से, और चार ही घंटे सोए हैं। अरे आज 4 बजे तो शूट खत्म हुआ था। रेडिसन ब्लू वालों ने हमारा रात को फोन ही नहीं उठाया है, हमें एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए थी, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। भाई जीवन में कुछ करो ना करो पानी जरूर पिया करो, पानी बहुत ज़रूरी है, वाटर इज़ लाइफ, और हमने इतना पानी रात से पी लिया है, मुझे लग रहा है इसीलिए रेडिसन वालों ने रात को ना हमारा फोन नहीं उठाया है। भाई अब हम घूमते फिरते आ गए हैं बीच पे, बीच तो क्या दिल्ली वाली बात है, मतलब बीच की अलग बात होती है, बट आई डोंट थिंक कि भाई दिल्ली के कंपैरिजन में चेन्नई कुछ अच्छा है या वैसा है, बट नहीं ये दिल्ली वाले कहीं भी पहुंच जाएं, चांद पे भी पहुंच जाएंगे ना ये, वहां भी बोलेंगे ठीक है, पर दिल्ली वाली बात नहीं है। दिल्ली की वाइब अलग है ना, दिल्ली की वाइब जो है वो आप मैच नहीं कर सकते, that is something different. ऐसा है यार, दिल्ली है और वेस्ट दिल्ली का खाना वेस्ट दिल्ली का है। दिल्ली में एक चीज की कमी है वो है बीच, बस otherwise Delhi has everything. Pollution भी है हमारे पास, वो आता जाता रहता है यार, that's a common thing, कुछ ऐसा नहीं है कि दिल्ली में या यूपी में ही बहुत है, बस बीच की कमी है, वरना दिल्ली है, ये तो सच है। ठीक है, हमें यहां पे कितना गंदा वो कर रखा, प्लास्टिक कितना है यहां पे, इनने भी तो गंद फैलाया हुआ, पीछे गंदगी बहुत है। गोवा भी मतलब दिखाएंगे, इस साल की क्लोजिंग तो नहीं हो पाएगी उस पर, बट प्लान था बट नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली गोवा इज ऑन, गोवा लिस्ट में है और बहुत जल्द होगा। दिल्ली वाली बात है क्या? नहीं भाई दिल्ली वाली तो नहीं है बातचीत, मैं कहा था दिल्ली वाली, दिल्ली वाले कभी एग्री नहीं करेंगे भाई, दिल्ली दिल्ली है।
एक चीज है कि बीच साइड अगर शूट हो तो वो कुछ अलग निकल के आएगा। तो फाइनली बीच पे तो हम पहुंच गए। इस बार हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि यहाँ साइक्लोन आया और ये सब बीचेस बंद थे, और जो यहाँ पे छोटे छोटे शैक्स थे ये भी पीछे थे, ये सब उजड़ गए हैं। बट अभी धूप भी आ गई यहाँ पे। इस जो बीच में हमने सुना अभी काफी भीड़ होती है, बट यहाँ पे अभी भी देखोगे आप तो ये तंबूज वगैरह सब उखड़े हुए हैं, और मतलब साइक्लोन की वजह से, और यहाँ पे हिट भी हुआ है साइक्लोन, उसकी वजह से गंदगी भी है और पानी भी साफ। यहाँ मौसम बड़ी जल्दी बदलता है। जब हम आए थे ना इतने हमें थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, दिल्ली से आए, दिल्ली में ठंड थी, यहाँ पे टेम्परेचर गिरा हुआ था बारिश की वजह से, और अब इतनी तेज धूप है ना, और हमने ये पहने हुए हैं बिकॉज हमें एयरपोर्ट जाना है, वापस दिल्ली जाना है, बहुत गर्मी है भाई, चुभ रही है धूप।